गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अपनी जगह पे सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज हम करते हैं इंग्लिश का हमारा टॉपिक, जिसका नाम है संज्ञा। संज्ञा मतलब नाउन, ठीक है। हिंदी में हम नाउन को संज्ञा कहते हैं और संज्ञा को हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं, ठीक है। यह दोनों प्रकार से इंपॉर्टेंट है, आपके हिंदी के लिए भी और आपकी इंग्लिश के लिए भी। यह दोनों प्रकार की भाषाओं में आपको कक्षाओं में लगता है, तो यह हम कह सकते हैं इसको तीसरी क्लास से लेके और आठवीं दसवीं तक जो आता है, हम उसको इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो नाउन क्या है? आपने देखा होगा कि हम किसी न किसी वस्तु का कोई नाम अवश्य लेते हैं, जैसे यह चौक है, ठीक है, यह ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, पुस्तक है, बुक है ना, पेंसिल है, इरेजर है, किसी न किसी कोई व्यक्ति का नाम है, ठीक है। तो ये सब क्या है? सबके नाम, और इन्हीं को हम क्या बुलाते हैं? नाउन, ठीक है। तो एक बार हम इसको डिटेल से कर लेते हैं, नाउन क्या है, इसकी क्या परिभाषा है और हम इसको वाक्य के अंदर कैसे पहचान सकते हैं। हमारे एग्जाम में भी आता है, यह है सक्षम के जितने भी एग्जाम हुए हैं, हमने कई क्वेश्चन देखे हैं कि आपको एक सेंटेंस दे दिया जाता है, उसके अंदर से आपने छांटना होता है कि इसके अंदर नाउन कौन सा शब्द है। तो आइए आज हम उसकी ही प्रैक्टिस करते हैं। हम यहाँ पे कुछ सेंटेंस को देखते हैं और उसमें से देखते हैं, जैसे पहला जो सेंटेंस है हमारा, प्रेम इज अ डॉक्टर। प्रेम इज अ डॉक्टर। द काउ इज वाइट। इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। ही इज गोइंग टू दिल्ली। There is a pencil on the table. I need water. Kindness is precious. अब इसके अंदर जो हमने underline कर रखे हैं, उन शब्दों को ध्यान से देखिए क्या क्या है, मैं दिखा देता हूं आपको, बोल के एक बार सुनिए आप। प्रेम, डॉक्टर, काउ, इंडिया, कंट्री, दिल्ली, पेंसिल, टेबल, वाटर, काइंडनेस। ये जो वाक्य हैं, इनमें जो ये अंडरलाइन शब्द वर्ड्स दे रखे हैं, प्रेम, डॉक्टर, ये पर्सन के बारे में हमें बताते हैं, व्यक्ति के बारे में, काउ, एनिमल्स के बारे में हमें पता लग रहा है, जानवर के बारे में, इंडिया, कंट्री, दिल्ली, ये हमें प्लेस के बारे में बताते हैं, स्थान के बारे में, और पेंसिल, टेबल, वाटर, इनसे हमें वस्तु यानी के थिंग का पता चलता है। काइंडनेस, इससे हमें ह्यूमन क्वालिटी का पता चलता है। काइंडनेस इज प्रेसियस, ठीक है। तो इन वाक्यों में जो ये अंडरलाइन वर्ड्स दिए गए हैं, इनसे हमें पता चलता है कि कोई भी पर्सन यानी कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कोई भाव, ठीक है, जानवर का नाम, इस प्रकार हम इन नामों को ही क्या बोलते हैं, संज्ञा। आसान है ना? हाँ, बिल्कुल आसान है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें एक बार, इसकी परिभाषा क्या होती है, वह आप कॉपी पेंसिल उठाएं और उसको नोट करें। तो सबसे पहले है, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, ह्यूमन क्वालिटी या आइडिया या एक्सपीरियंस या फीलिंग्स, इनको हम नाउन कहते हैं। पर्सन मतलब व्यक्ति, प्लेस मतलब स्थान, एनिमल मतलब जानवर, थिंग मतलब कोई भी वस्तु, ह्यूमन क्वालिटी कोई भी ह्यूमन की क्वालिटी, उसका गुण, आइडिया कोई उसके विचार, एक्सपीरियंस उसका
अनुभव और फीलिंग्स उसके भाव। इस प्रकार किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव, जानवर, इनके नाम को हम संज्ञा कहते हैं। क्लियर है? एक डेफिनेशन और दी गई है, उसको हम देख लेते हैं। अ नाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड एज द नेम ऑफ एनीथिंग। एनीथिंग मतलब कुछ भी, किसी का भी कोई नाम हो, दैट इज कॉल्ड नाउन। जो भी हम उसके आसपास हम देखते हैं उनका कोई ना कोई नाम तो है, और जिनका कोई नाम है किसी भी वस्तु का, हम उसको नाउन कहेंगे। क्लियर इतना? एक छोटी सी डेफिनेशन और दे देते हैं हम। यहां लिखा है अ नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी वस्तु का नाम। और एट लास्ट ऑल नेमिंग वर्ड्स, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन्स। किसी का भी नाम, जिसका भी कोई नाम है वो सब नाउन है। परिभाषाएं हमने यहां पे तीन चार दे रखी हैं, सबका मीनिंग एक ही है कि किसी का भी नाम, कोई वस्तु हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई स्थान, कोई भाव, ठीक है, उसके नाम को हम संज्ञा कहते हैं। क्लियर है? ओके, आगे हम जो करेंगे काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। हिंदी में हमने मोस्टली तीन प्रकार के नाउन किए हैं, ठीक है। पिछली कक्षा में हमने तीन प्रकार के नाउन किए हैं, आज हम पांच प्रकार के नाउन करेंगे और उनको फुली एक्सप्लेन करेंगे। तो देखते रहे, काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के भेद कितने होते हैं, पांच हमने करवाया। जैसे पहला है प्रॉपर नाउन। क्या है प्रॉपर नाउन? हिंदी में हम इसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। इसमें हम व्यक्तियों के बारे में पढ़ते हैं। और कॉमन नाउन है सेकंड टाइप जातिवाचक संज्ञा, यानी कि उनकी जाति, यानी कि उनकी सब कैटेगरी बोल सकते हैं हम इसको, जैसे पशु है ना, इंसान, इस प्रकार जो उनकी जाति है उसको हम किसमें लगे आएंगे, कॉमन नाउन के अंदर। तीसरा जो है हमारा कलेक्टिव नाउन, मतलब समूहवाचक, कोई ग्रुप जो होता है उसको हम बोलते हैं समूहवाचक, जैसे सेना है ना, सेना किसको बोलते हैं, एक जो सोल्जर्स का एक ग्रुप होता है उसको हम सेना कहते हैं। तो चौथा है हमारा मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा, जैसे हमारा सोना, चांदी है ना, लकड़ी, इस प्रकार के जो मटेरियल है उनको हम मटेरियल नाउन यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर काउंट करते हैं। और चौथा है, पांचवा है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, जैसे हमने पढ़ा था ऑनेस्टी है ना, काइंडनेस है, इस प्रकार के जो भाव है हमारे वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आते हैं। तो हम बारी बारी से इनको डिटेल में करते हैं, और आज की जो वीडियो में सबसे पहले हम करेंगे प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे हमने परिभाषा में पढ़ा था कि संज्ञा होती क्या है, किसी का नाम, किसी स्थान का नाम, वस्तु का नाम या किसी का नाम, तो उसमें जो प्रॉपर नाउन के अंदर चेंज है वो क्या है, इसके अंदर नाम तो वही है, स्थान का नाम है, व्यक्ति का नाम है, वस्तु का नाम है, बट देयर इज अ स्पेशल थिंग, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर, एक विशेष पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का विशेष नाम, पर्टिकुलर नेम क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन। जैसे मैंने बोल दिया कि कोई व्यक्ति, और व्यक्ति तो बहुत सारे होते हैं, अगर मैंने बोल दिया कि रमेश, मैंने बोला रमेश, कल्पना, करीम, तो ये सब क्या है, ये व्यक्तियों के नाम यानी कि स्पेशल पर्टिकुलर नेम है, तो क्या हो जाएगा इसका, हम इसको प्रॉपर नाउन कैटेगरी के अंदर लेकर आते हैं। अगला है, जैसे मैंने बोल दिया कि कोई वस्तु है, वस्तु जैसे कोई गंगा है, यमुना है, कृष्णा, कावेरी, पेन, पेंसिल, कागज, ठीक है, तो ये सब क्या है, इनके नाम है, क्या क्या नाम है, जैसे मैंने बोल दिया गंगा, अब नदी है, वस्तु के अंदर आएगी, तो लेकिन उसका एक स्पेशल नाम हो गया, क्या नाम है, गंगा, यमुना, कावेरी, ये तीन उदाहरण जो दिए हैं मैंने, ये किसके उदाहरण है, प्रॉपर नाउन के। अगला हम देख लेते हैं, जैसे
रामायण, कुरान, बाइबल पुस्तकों के नाम है, ग्रंथों के नाम है, लेकिन इनका एक पर्टिकुलर नेम है कि यह रामायण है, यह कुरान है, यह बाइबल है, या यह किसी भी पुस्तक का कोई नाम है। तो उसको हम किस कैटेगरी में लेके आएंगे? प्रॉपर नाउन के अंदर। जैसे मंडे, मंडे क्या है? नाम तो है, दिनों के नाम है, लेकिन मंडे स्पेशल डे हो गया। तो जैसे महीनों के नाम ले लेते हैं हम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो ये महीनों के नाम है। बट अगर हम बात करें कि दिसंबर या जनवरी, तो एक पर्टिकुलर मंथ का नेम हो गया, तो किस कैटेगरी के अंदर आएगा? प्रॉपर नाउन के अंदर। अगर हम बोले टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया क्या है? न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर संज्ञा है, लेकिन वो कौन सी संज्ञा है? मैंने बोला कि अमर उजाला या द ट्रिब्यून, तो उसके अंदर क्या आएगा कि वह कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा? अगर उसका नाम ले रहा हूं तो मैं प्रॉपर नाउन। अगर मैं बात करूं जैसे बिहार है, पंजाब है, अंबाला है, प्लेस के नाम है, बट दीज आर द पर्टिकुलर प्लेसेस। बिहार, पंजाब, अंबाला, ये विशेष स्थानों के नाम है। तो इस प्रकार हम इसकी परिभाषा जो एक बार रिपीट कर रहे हैं, आप उसको नोट कर लें। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। हिंदी में इसको करते हैं हम, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के विशेष नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो समझ आया बच्चों आपको? वेरी गुड। तो आज हम इतना ही करेंगे, जो अगले वीडियो में हम इसके जो अलग हमारे चार पार्ट रह गए हैं उनको हम कवर करेंगे। तो अगले वीडियो के लिए जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।